सभी का स्वागत है चैनल पर। आज का हमारा पाठ है सपनों के दिन। सपनों के से दिन जो है, इस पाठ के लेखक कौन है, पहला प्रश्न है। इसका सही जवाब है गुरदयाल सिंह। इसके बाद प्रश्न आता है, अगर आपको प्रश्नों के जवाब आते हैं तो साथ साथ आप भी बताते जाइए। मैं कुछ टाइम दूंगी आपको क्वेश्चंस के आंसर बताने के लिए, तो आप साथ ही अपना भी टेस्ट कर लीजिए कि आपको सारे प्रश्नों के जवाब आते हैं या नहीं। उसके बाद प्रश्न आता है, स्कूल के पीटी सर का नाम क्या था। स्कूल के पीटी सर का नाम मास्टर प्रीतम चंद था। उसके बाद प्रश्न आता है, मास्टर प्रीतम चंद कतारों के पीछे खड़े क्या देखते थे। आप सही जवाब बता सकते हो। उसके बाद मैं आपको प्रश्न बताऊंगी नेक्स्ट, तो अभी मैं इसका सही जवाब बता देती हूँ। यहाँ पर सही जवाब है, कौन सा लड़का कतार में ठीक से नहीं खड़ा, यह देखा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न आता है, लड़के किसके डर से कतार में खड़े रहते थे। यहाँ पर मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सही जवाब क्या है। आपने चैप्टर को पढ़ा भी है तो सही जवाब है, मास्टर प्रीतम चंद की घुड़की के डर से। पहले के समय में ऐसे टीचर्स होते थे, ज़्यादातर डरा करके बच्चों को पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, पीटी सर कौन से मुहावरे को प्रत्यक्ष दिखाते थे। कौन से मुहावरे को प्रत्यक्ष दिखाया जाता था। खाल खींचना एक मुहावरा होता है, खाल खींचना, उसको दिखाया करते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पिटाई किया करते थे। उसके बाद प्रश्न आता है, पीटी सर खाल खींचने के मुहावरे को कब प्रत्यक्ष दिखाते थे। कब दिखाते थे वो, ऐसा जब दिखाते थे, ए और बी दोनों उत्तर सही हैं इसमें, जब कोई लड़का अपना सर हिलाता या कोई अपनी पिंडली खुजलाता तो वो अपना खाल खींचने का मुहावरा जो है उसको सही तरीके से बताया करते थे उसे, उस बच्चे को यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न आता है, अब किस दंड पर पूरी तरह प्रतिबंध है, यानी शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है ये, कोई भी टीचर जो है बच्चों की मार पिटाई नहीं कर सकता है, और अगर ऐसा करता है तो आपके पास अभी ऑप्शन भी हैं, आप शिकायत कर सकते हो, और मैं तो इसके पूरी तरह से खिलाफ हूँ। और जो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी हैं कि शारीरिक दंड दिया जाए, लेकिन शिक्षा के लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। उसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने किन दिनों का वर्णन किया है। यहाँ पर लेखक ने अपने स्कूल के दिनों का वर्णन किया है। प्रश्न आ जाता है, बच्चों को स्कूल में अपनी पढ़ाई से अधिक क्या अच्छा लगता है। आप बताइए आपको क्या अच्छा लगता है, वही इसका जवाब है। तो अपने साथियों के साथ खेलना हमें अच्छा लगता है, इसीलिए बच्चों का मन इसका अधिक लगता है खेलने में। उसके बाद प्रश्न आता है, बच्चों को स्कूल में अपनी पढ़ाई से अधिक क्या अच्छा लगता है, इसका मैंने जवाब बता दिया। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कि हेडमास्टर लड़के की किताबें क्यों लाकर के दिया करते थे। क्योंकि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद हमारा प्रश्न आता है, लेखक किसकी मदद से अपनी पढ़ाई जारी रख सका। तो अभी जो हमने देखा कि मास्टर जी किताब ला के दिया करते थे, तो सही जवाब है हेडमास्टर साहब की मदद से, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न आता है, बचपन में घास अधिक हरी और फूलों की सुगंध अधिक मनमोहक लगती है, इस कथन से क्या भाव है। आप जवाब बता सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है, बच्चे अपनी दुनिया में मस्त होते हैं, बच्चे अलहड़ होते हैं, ये दोनों जवाब जो हैं सही है। प्रश्न आ जाता है, हेडमास्टर साहब का विद्यार्थियों के साथ
कैसा व्यवहार था? उनका व्यवहार कैसा था? वे बच्चों को बिल्कुल भी डांटते नहीं थे। तो ये उनका व्यवहार था बच्चों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लेखक के समय शिक्षा का क्या महत्व था? महत्व क्या था, लोग क्या सोचते थे कि शिक्षा क्या काम में आती है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, लोग शिक्षा के महत्व से पूरी तरह से अनजान थे। आज के समय में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आपके सामने अभी आ रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न लेकर के चलते हैं। सपनों के से दिन पाठ पाठक को कैसा अनुभव करवाता है, बताइए, बताइएगा। तो मैं आपको अभी जस्ट 2 सेकंड का इसके लिए समय देती हूँ, आपको पता भी है। तो जवाब सही जो है बता देते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन जो है सही जवाब है। लेखक ने हमारे बचपन की बात लिख दी। पढ़ने वाले को ये लगता है, जो थोड़े पुराने पाठक हैं तो उन्हें लगता है कि उनके बचपन में भी ऐसा ही होता था। उसके बाद हमारा प्रश्न आपके सामने आ रहा है, बच्चे पिटाई होने पर भी खेलने क्यों जाते हैं? बच्चों को खेल प्यारा होता है एक तो ये कारण है, और उनको पिटाई जैसी ही लगती है ना। तो दोनों जवाब जो हैं सही जवाब हैं, खेल जैसी लगती है पिटाई, इसलिए भी खेलने चले जाते हैं। खेल पिटाई से ज़्यादा अच्छा लगता है तो खेलने चले जाते हैं। तो दोनों जवाब सही हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, ओम कैसा बच्चा था? ओमा जो था वो कैसा बच्चा था? वह निडर और बहादुर था। ये जवाब सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि लेखक को बचपन में स्कूल जाते हुए किन चीज़ों की महक आज भी याद है? महक कौन सी चीज़ों की उसे याद है? तो इसमें 4 ऑप्शन हैं, इनमें शुरू के जो 2 ऑप्शन हैं वो सही हैं। नीम के पत्तों की और फूलों की तेज गंध उसे आज भी याद है। सामने आपके नया प्रश्न आ चुका है, ननिहाल जाने पर लेखक को क्या सुख मिलता था? खूब तो खाने को मिल जाता था और नानी का प्यार भी मिल जाता था। दोनों सही जवाब हैं, ऑप्शन दोनों ही सही हैं, ए और बी, तो सी जवाब सही है। उसके बाद क्वेश्चन आता है आपके सामने, आज का बचपन पुराने समय के बचपन से कैसे भिन्न है? तो सही जवाब जो है वह है, बच्चों के पास खुला समय नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। प्रश्न आ जाता है, लेखक ने अपना बचपन कैसे व्यतीत किया? तो कैसे व्यतीत किया था? अपने साथियों के साथ, आनंद के साथ, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आप ये देखो, यहाँ पर सही जवाब ये वाला है। कई बच्चे बुक्स का नाम पूछते हैं, 10th के लिए जो बुक है वो MBD बुक का प्रयोग किया गया है। कुछ जानकारी इंटरनेट से ली गई है इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए। कुछ जो क्वेश्चन हैं वो हाथ से लिख करके बनाए गए हैं, और कुछ नेट से और कुछ MBD बुक से बनाए गए हैं। बार बार एक ही क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब देना संभव नहीं हो पाता है, इसीलिए सभी बच्चों को ये नहीं बताया गया था कि कौन सी बुक जो है आप परचेज करें। और जो मेरे पास है उसका गाइड का देखिए, गाइड का सहारा लेना बुरा नहीं होता, लेकिन पूरी तरह से गाइड पर डिपेंड कभी भी नहीं रहना चाहिए। कुछ प्रश्न गलत भी हो जाते हैं और हम भी इतना तब ध्यान नहीं दे पाते हैं। और अगर कोई आपको प्रश्न में, ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं, किसी से भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इतना महान नहीं होता है कि उससे मिस्टेक ना हो। तो हम अपना नेक्स्ट प्रश्न लेकर के चलते हैं। आप साथ साथ ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स बताते रहिए, ताकि जो टीचर्स और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन जो है वो बना रहे। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम आ रहे हैं। ये प्रश्न जो है हमारा प्रश्न है, लेखक गर्मियों की छुट्टियां कैसे व्यतीत किया करता था? आप बताएंगे तो इसमें मैं आपको जल्दी से प्रश्न बता देती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो जो है काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो ये देखिए, नानी के घर जाकर के और मौज मस्ती करते हुए, दोनों ऑप्शन जो हैं सही जवाब हैं। और उसके बाद जो प्रश्न आता है, लेखक को गर्मी की छुट्टियों में क्या बात दुखी किया करती थी? क्या बात दुखी उसे करती थी?
तो छुट्टियों में जो उसे काम मिलता था, होमवर्क मिलता था, वह उसे दुखी क्या करता था। यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आपके सामने आ चुका है। तो उन दिनों बच्चों का अपने अभिभावकों के साथ कैसा संबंध था? पेरेंट्स के साथ अभिभावक बच्चों के काम में रुचि नहीं रखते थे, पहली बात तो ये थी। बच्चों को वो अपना अधिकार समझते थे, ये भी थी। और शाबाशी भी नहीं दी जाती थी। तो सारे ही चीज़ें जो हैं वो सही हैं। और सही ऑप्शन जो है यहाँ पर ये वाला है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। तो बच्चों के लिए किसकी शाबाशी ज़्यादा मायने रखती थी? यहाँ पर अभिभावकों की शाबाशी जो थी वो ज़्यादा मायने रखती थी। ये शाबाशी जो है ना वो इनकी, ऐसे आप याद कर सकते हो। दूसरा फिर हमारा सामने आपके प्रश्न आ चुका है कि फौज में भर्ती करने के लिए अफसरों के साथ नौटंकी करने वाले क्यों आते थे? नौटंकी वाले किस लिए आया करते थे? वो इसलिए आते थे कि फौज का सुख आराम और बहादुरी दिखाई जा सके। तब भर्ती करने के लिए लोगों के साथ जो है नौटंकी वाले आया करते थे, ताकि लोग उनसे प्रेरित होकर के फौज में भर्ती हो जाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। लेखक और उसके साथियों का नेता कौन था? नेता था ओमा, ओमा नाम है उसका, आप ध्यान रखेंगे। ये जो है नेता जो था, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न आ जाता है, लेखक और उसके साथियों का नेता कौन था? ये प्रश्न हम बता चुके हैं। उसके बाद प्रश्न आ रहा है, स्कूल की पिटाई का डर भुलाने के लिए लेखक किसके बारे में सोचता था? ओमा और बहादुर लड़कों के बारे में, जो स्कूल की पिटाई को स्कूल का काम करने से ज़्यादा अच्छा मानते थे। यानी कि स्कूल का काम ना करते थे और सोचते थे कि पिटाई खा लेंगे, नो प्रॉब्लम, पिट जाएंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि पिटाई तो उन्हें खेल के जैसे ही नज़र आती थी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये चीज़ कि पुराने टाइम में कैसे बच्चे पिटाई खाना ज़्यादा पसंद किया करते थे। कमेंट सेक्शन में आप मुझे भी बताना कि आपके स्कूल में पिटाई होती है क्या। आज के हमारे प्रश्न जो हैं ये मैंने आपको 30 प्रश्न बताए हैं। और अगर आपको इसमें से भी किसी प्रश्न में या क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। किसी और चैप्टर की आपको यदि पढ़ना है एमसीक्यू तो, और या व्याख्या भी आपको पढ़ना चाहते हो तो मुझे बता सकते हो। और एक बच्ची का कमेंट आया था कि 9th क्लास के मुझे सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, तो वो मैं अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।